सो फाइनली गाइस मैं चल अब सोने, हमको थोड़ा सा हेडेक वगैरह हो रहा है। ओ अब हैप्पी न्यू ईयर एडवांस बॉडी बॉडी फिटनेस की तरफ से बॉडी से माय वन पीस पनीर सो हेलो जी, सो क्या हाल चाल है जीरो में। हाँ चलो जी, तो क्या हाल चाल है। सो आज है भाई 31st, आज है साल का लास्ट दिन। तो बस मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये मतलब मुझे अच्छे से सपोर्ट करिए। आज साल का लास्ट दिन ख़त्म हो रहा है एंड दूसरा साल चालू हो रहा है, तो मचा देंगे भाई। जैसे ही आप लोगों का सपोर्ट बढ़ते रहेगा हम लोग पूरा मचा देंगे। सो मेरी मम्मी लोग जा रहे हैं आज गाँव और मैं रहूँगा अकेले घर में। सो और यहाँ पे न्यू ईयर के लिए बनाया जा रहा है केक, चॉकलेट केक चलाया जाए, चॉकलेट केक बनाया जा रहा है यहाँ पे। सो भाई आज है न्यू ईयर, मतलब न्यू ईयर आज रात से चालू हो जाएगा और यहाँ पे चल रहा है अभी से मेकअप वेकअप। एक देख रहे हो एकदम फुल मेकअप वेकअप चल रहा है अभी से। मेकअप की तो पोती है दे। सुबह देखते हैं कि क्या क्या सीन होता है न्यू ईयर में। मेरा ऐसा कुछ प्लान भी नहीं है और ना मैं कभी करता हूँ वगैरह प्लान वगैरह पार्टीज एट ऑल वगैरह, मैं मेरा नहीं होता ये सब, ना मैं करता हूँ ये सब। सो जो भी करेंगे भाई आप लोगों के साथ करेंगे, जो भी हमारा न्यू फैमिली बनेगा आप लोगों के साथ वो करेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सो जो भी हो जहाज जो होता है देखते हैं। और आज घर में बैठ के अवार्ड देखेंगे भाई घर में मस्त से। और जल्दी से भाई ये QR कोड में स्कैन कर दो और पैसा भेजो। सो मिलेंगे आप लोगों को। और आज क्या क्या सीन होने वाला है कुछ भी नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं पता। और मुझे भी हो गया थोड़ा सा सर्दी खांसी टाइप का। और मैं यार मैं रियल में गोरा दिखता हूँ और कैमरे में एकदम थोड़ा सा मतलब सांवला टाइप का दिखता हूँ, ऐसा क्यों नहीं पता मुझे। सो आज जाएंगे जिम वगैरह का, जिम वगैरह का क्या क्या सीन होने वाला और आज क्या क्या होता है मुझे भी नहीं पता। और मैंने वीडियो डाल दिया है आज और मेरे रेगुलर वीडियोज आ रहे हैं भाई। आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा बस अच्छे से, प्लीज़ सपोर्ट करिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 20-30-40-50 ऐसे व्यूज आ रहे हैं। अभी शादी वगैरह का डाला था उसमें 300 वगैरह आया था और उसमें भी। सो नए साल आने वाला है। सो बहुत लोग भाई आज जो भी गलती की उसका कन्फेस कर देना अपने घर वालों को, पार्टनर्स को एंड जो भी होता है वो सब अपने घर वालों को पूरा कन्फेस कर देना आज के दिन। और नया साल के साथ अच्छा चीज़ करो। बस जैसे बोलते ना कि साल बदलेगा हमारा किस्मत नहीं, बस यार सपोर्ट करो अपने भाई को तो किस्मत भी बदल देंगे हम भी। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं ना सोच रहा था कि 1 तारीख को 31st मतलब बोले तो कल 1 तारीख को कि मैं जितना मेरे से हो सके मतलब नॉर्मल कि ना मैं गरीबों को कुछ न्यू ईयर के बदले मतलब न्यू ईयर में कुछ खाने का दे सकूँ। सो वही सोचूंगा कि सोच रहा हूँ कि 1 तारीख को अपन जाएंगे देने वगैरह के लिए। ऐसी थोड़ा बहुत मैं ज़्यादा तो कर नहीं सकता आप। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर मेरा मंथली 50,000 भी आता है ना तो उसमें से 5,000 मैं गरीबों लोग के लिए खाना या कुछ भी उन लोग की ज़रूरत जो चीज़ होगी उसको मैं करना चाहता हूँ। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट करो। और हो सके तो मैं कल पूरी कोशिश करूँगा भाई, कोशिश क्या मेरे को करना ही है, करूँगा ही मैं। तो मुझे नहीं पता कि क्योंकि मुझे भी ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ रहते हैं, मैंने ये सब देखा नहीं है। तो मंदिर के आसपास तो मिल ही जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं आप लोगों को, आगे क्या क्या होता है देखते हैं। सो यही है बस, आप लोग सपोर्ट चाहिए। और मेरी मम्मी इच्छा आ रही है घूमने के लिए। कहाँ घूमने जा रही है देख रहे हो, गायब हो गई। ओह माय गॉड गायब हो गए मेरी मां, खोंचे में घुस के पूजा खो रही है।
सो टेम्परेचर इस तरीके से है, क्रिसमस अभी भी हुआ है और दिवाली से हम लोग का लाइट लगाई हुआ है, तो लगाई हुआ अपन निकाला ही नहीं है। और ये देखो रोमियो खड़ा हुआ है और ये टेन आर दोनों खड़े हुए हैं और पापा आया अभी हमें गए हैं ड्यूटी। मेरा भी गला ना बैठे जा रहा है क्योंकि सर्दी खांसी हो रहा है। सो मिलते हैं, जो भी होता है आप लोग वो दिखाते हैं, बस सपोर्ट करो यार, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मिलते हैं आपके। सो भाई अभी मैं देख रहा हूँ टर्बो एक्सट्रीम का पुराना वीडियो, देखो 3 साल पहले का वीडियो। सो यार अपने भाई को भी सपोर्ट करो, प्लीज़ सपोर्ट करो, अपन बहुत आगे जाना है, अपने को बहुत आगे जाना है, प्लीज़ सपोर्ट करो। और जैसे आप लोग सपोर्ट करोगे तो जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा यूट्यूब का हमारा, या रेवेन्यू बढ़ेगा वैसे बहुत सारी चीज़ें लाएंगे भाई। जब जेब में कुछ है नहीं तो कैसे लाएंगे, है ना, जब आप लोग सपोर्ट करोगे कुछ आएगा अपने पास, तभी तो हम लोग लमसम बहुत सारा चीज़ लाएंगे। तो सपोर्ट करो, प्लीज़ सपोर्ट करो भाई। अभी भी यहाँ केक का कर रहे हैं, अच्छा नहीं देखा। और ये चेक करो, ये अभी बंद करता हूँ, नहीं पता जम नहीं रहा था, ये ऐसा कुछ नहीं था। तो फ्रिज का फैन थोड़ा कुछ दिक्कत विक्कत हो गया था, जम वम नहीं रहा था। और मेरी माँ लोग कुछ चल देंगे आज में, तो मेरा तो घर में रहने का है। और ये अपना रोमियो खड़ा है, धूप है, और ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने रूठे पर आए रूठे ख्वाब टूटे ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये रूठे ना ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। Oh my God, 10 रुपया मिला इसको, और बच्ची उसको 10 रुपया दिखा के जा रही कुरकुरे खाने के लिए, और वो जी भी दिखा रहा था फुल पावर एकदम। बचपन की ये चीज़ें याद आ गया भाई, मेरी बहन के साथ ऐसी होता था ना, उसको 10-10 रुपया मिल जाता था ऐसी, तो अपन भी मांगते थे। हाँ हाँ पहले भाई मस्त गुपचुप वगैरह खाने के लिए मांगते थे, क्योंकि पहले क्या सीन था, मस्त 5 रुपये का 5 मिल जाता था, 10 रुपये का 10 मिल जाता था, कभी कोई जगह 12 मिल जाता था। पहले का सीन अच्छा था यार, महंगा हो गया। तो बच्चा पड़ा हुआ है अभी भी वहाँ पे, नहीं पता ब्रेकअप हो गया भाई का, बच्चे हैवी राइडर। अरे 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 चोरी कर रहा है बच्चा, देख लो बच्चा चोरी कर रहा है, देख लो भाई आजकल के बच्चे ऐसी चोरी करते हैं, देख रहा ना, देखो 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 ऐसी चोरी करते हैं। और ये देखो क्या हो रहा है, ये चोरी हो रहा है गाड़ी का। सो गाइस न्यू ईयर आ रहा है, सो अपन देखेंगे क्या क्या सीन करना है। बस जो बताया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कहीं 5 रुपये वाला सा मौसम मिलेगा तो वही 10 तक ले लूँगा, 100 का ले लूँगा और बांटूँगा, देखते हैं क्या क्या होगा, वो तो कल ही पता चलेगा, कुछ अभी कंफर्म नहीं कैसा क्या सीन होने वाला है, देखते। सो गाइस फाइनली हो गया टाइम, 5 बजने वाला है, सो आज फिर से बता रहा हूँ 31st, सो टाइम होने वाला है और अपने को निकलने का है जिम अब। और अभी थोड़ा मैं जल्दी चल देता हूँ, जल्दी आ जाता हूँ और पढ़ना लिखना वगैरह। और यहाँ पे मेरी माँ बैठी हुई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मोबाइल चलाते हुए बैठे रहते हैं। और अपन निकलते हैं, और शकल जैसे कि आप देख सकते हो, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो नहीं पता क्या मज़ा आता है मेरे को घूरने में, मैं इतना अच्छा लगता हूँ क्या बोलने में, बताना तो ज़रा। और फिर देखते हैं आगे क्या सीन होने वाला है और क्या क्या होता है, जो भी होता है देखते हैं। और रोड में भी अगर कुछ दिखता है तो दिखाते हैं आप लोगों को, क्योंकि मैं हेलमेट वगैरह कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ भाई, जिम जा रहा हूँ मैं, तो इसीलिए आप लोगों को दिखाएंगे जो भी होता है जैसे भी होता है। सो मिलते हैं भी आप लोगों को आगे, ओके ठीक है। तो सुबह ही देख रहे हो पढ़ते टाइम ऐसा हाल हो जाता है रूम का, लैपटॉप उधर, कॉपी उधर, बैग उधर, माउस उधर, कंबल इधर, तकिया इधर, तकिया की तो ख़त्म हो जाती है, तो पापा इसलिए चिल्लाते हैं, मैं तकिया को सत्यनाथ कर देता हूँ, क्या करें, टिक के पढ़ने की आदत है, टिक के लोच के सो के वैसे ही पढ़ते अपन तो डांट खाते। सो ये चार्जर इसको ऊपर कर देते हैं अपन, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, तो निकलते हैं अब। सुबह निकल रहे हैं अपन, सो जिम के लिए निकल रहे हैं अपन, सो लेते हैं यहाँ से गाड़ी का चाबी, ये सो निकलते हैं अब। उधर बन रहा है केक, सो लेट्स गो। ये है रोमियो, कोल्ड स्टार्ट में डालते हैं, थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट में डालते हैं।
सो भाई सबसे पहले इसको न्यूट्रल में डालो। पोल स्टार्ट कम से कम भाई एक दो मिनट तो पोल स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई फिर आपका इंजन का जो अच्छा है ना कैपेसिटी अच्छा बढ़ेगा और इंजन ऑयल पहुंचेगा। और क्योंकि भाई इंजन रखे रखे ऑयल फिर एक जगह स्टोर हो जाता है ना, तो फिर स्कूटी हो या जो भी हो भाई गाड़ी जो भी हो, बैटरी वाले को छोड़ के गाड़ी जो बैटरी वाले में ऑयल लगता है कि मेरे को नहीं पता, बट जो भी हो इंजन ऑयल जिसमें भी लगता है वो भाई उसमें कम से कम एक दो मिनट तो कम से कम भाई चालू करके कोल स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इंजन चालू होता है तो फिर ऑयल हर जगह पूरा कोने कोने तक पहुंचता है। कभी भी गाड़ी चालू करने से पहले ऐसे एक्सीलेटर नहीं देना है, ठीक है ना, नहीं तो आपका इंजन लाइफ ख़त्म सी हो जाएगी और इंजन बहुत हरास कर देगा, प्रॉब्लम करेगा आपको इंजन। तो इसीलिए निकलते हैं, ये चीज़ का आप लोग बेसिक ध्यान रखें, स्कूटी हो या गाड़ी हो। सो भाई जी मारा तो भाई मैं आ चुका हूँ जिम और ये देखो राजपूत, ये देखो तो मैं आ चुका हूँ जिम पे। ये है यहाँ से आते हैं और ये एंचर करने के लिए लगा हुआ है, तो चलता हूँ और लटकना लटका है थोड़ा। तुम्हारे भाई का हाइट बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, हाइट बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है और कम से कम ठीक है, बट थोड़ा दो तीन इंच बढ़ जाए तो दो इंच भी बढ़ गया ना तो बहुत है। सो यहाँ पे देख रहे हो वेदर इस तरीके से, तो चलते हैं आगे के लिए, मिलते हैं आप लोगों को। गाली मत देना, मैं देता नहीं, शरीफ बच्चा हूँ मैं, देख रहा हूँ राग भैया क्या देख रहे हैं, अपने भाई का वीडियो इनकी पड़ी पड़ी है, कितना चले हैं ये दौड़ रहे हैं गाइस, देखो भैया कैसे दौड़ रहे हैं, देख रहा हो मेहनत मेहनत देख रहा हो भैया, क्योंकि पसीना ये पसीना इतना हाई हो गया। डांस करते करते दौड़ रहे हैं, मत बात है, तो वीडियो चालू थी अभी भी। भाई सपोर्ट करो हमारे भैया को, क्योंकि हम भी और राग जो टाइप का मस्टैंग ले सके, और मेरे को भी करना गाइस, मेरा भी चैनल है वाई आर सी जी ब्लॉग्स करके। भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसके शकल को, अरे यार टट्टी टाइप का दिख रहा है, इसलिए भूपेश बघेल ने इसके शकल को जारी किया है कि जल्द से जल्द बैन किया जाएगा, समझ रहे हो गाइस, जल्दी भैया के पास जीने हंड्रेड आने वाली है बीमारी। हाँ हाँ भाई सपोर्ट करोगे तो पक्का आ जाएगा, समझ रहे हो। अबे पहले कोई बात नहीं, चल दीपक भैया पहले भैया क्या फ्रेंडर आप चमकते, अच्छा दिखता है ना, भाई देखना क्लियर दिखते, अरे क्लियर दिखता पर हेलो फ्रेंड, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस, बॉडी 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 फिटनेस की तरफ से बॉडी से माय वन पीस पनीर चिकन चिकन पनीर टिक्का, एक हाथ में चिकन एक हाथ में पनीर, नहीं नहीं वो तरुण गिल करते हैं, हम तरुण गिल लाइक फॉलो नहीं करते, मैगी बॉडी ये तो मोमोज बॉडी है, मैगी बॉडी है, तरुण गिल का डाइट मैं कभी का फॉलो करता हूँ, ठीक ठीक। तो गाइस इसी बात पे इसके चैनल को जल्द से जल्द रिपोर्ट करें, अरे तो अंकुश भाई यहाँ पे न्यू ईयर के बदले में चिकन लेग पीस खा के मार नहीं रहे, अपना लेग बचा रहे हैं, मेरा लेग पीस हो गया भाई, मैं क्या बताऊँ, ये हमारा भाई वो वीगो जी ये शॉर्ट आउट शॉर्ट आउट मेरे को दे दो कोई शॉर्ट आउट। तो ये हमारे भाई फुल एकदम फुल पावर मेहनत कर रहे हैं, भाई आर्मी में जाने वाले हैं पबजी में,
कौन सा पैर है ये वाला? Important discussion is going on. Hey guys, this is Brock Lesnar, WWE Championship. Yeah. चल, क्यों नहीं चलेगा? हाँ, चलेगा. चल, अंकुर भैया का आशीर्वाद है. चल, चल, चल. ये हमारा भाई, इसको भी जल्दी से मेरे हो गया है. सब्सक्राइब करो. मेरे चैनल का नाम है. चैनल का नाम है. जल्दी कॉपीराइट आ जाएगा. ये है चैनल का नाम. बाकी अनसब्सक्राइब करो. यार चल चल चल. भाई सोना करते हुए नहीं ब्रो दिखा तो भाई मैं निकल रहा हूँ घर की ओर. मिलते हैं भाई को. जल्दी से जल्दी अनफॉलो करो. चल भाई जा रहा हूँ मैं. मिलते हैं फुल पावर एकदम. तो बाय बाय. मिलेंगे अगले साल मिलना. अगले साल मिलेगा ना. और भैया टाटा बाय बाय. अगले साल हैप्पी न्यू ईयर. अगले साल मिलते हैं. मंडे वही निकल रहे हैं जिम से. मिलते हैं आप लोगों को घर जाके. बहुत भूख लग रही है. फास्ट है मेरा. सैटरडे है तो मिलते हैं आगे. तो मेरे घर वाले जा रहे हैं. तैयारी चल रही है जाने का. तो मैं यहीं रहूँगा घर पे. और घर पे जी अबाउट देखेंगे आज. आज नहीं पढ़ूँगा भाई भूल ही मैं. सो यहाँ पे छोड़ रहे तैयार. ओ दिखा रहे हैं कि देख सकते हो आप लोग. जा रहे हैं घर वाले. देख सकते हो. करूँगा मैं. नहीं बुला. आ रहे हैं घर वाले. न्यू ईयर मनाने. हम अकेले न्यू ईयर बनाएंगे शायद आप लोगों के साथ. अच्छा उधर से जा रहे क्या? अच्छा अच्छा भाई भाई. सो हेलो जी. तो घर वाले चल दिए हैं. सो अभी मैं हूँ फिलहाल अकेला. और आज मेरा है फास्ट. सो मम्मी ने न्यू ईयर मैं अकेले बनाऊंगा करके. सो ये न्यू ईयर का एक केक रखे और वो मम्मी कहीं जाएगी उसके लिए बना के रखी. और ये मेरे लिए बनाई है चॉकलेट केक. सो खाएंगे अपन खाने के साथ क्योंकि एक ही टाइम नहीं न्यू ईयर में काटेंगे केक को. यस न्यू ईयर में काटेंगे आप लोगों के साथ फुल पावर एकदम. फिर अभी फिलहाल खाना वाना खाते हैं. आप लोगों को मिलते हैं. 12 भी बज जाएगा तो अच्छे से मैं केक वगैरह भी खा लूँगा. सो चलो क्या कह रही देखते हैं. ये है दाल रोटी चावल. यस चावल भी है.
यस दाल एंड ये होगा पत्ता गोभी यस। सो गाइस आप लोगों को मैं हाथ मुंह धोने के बाद मिलता हूँ खाना के साथ, तो चलो। सो गाइस ये है खाना और फास्ट करके मैं ये सब खा रहा हूँ। चावल इतना ज़्यादा क्यों दिख रहा है? हो सकता है ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है भाई, कसम से बहुत भूख लगी है। और ये मुनगा दाल जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये दो रोटी एंड कैबेज है ये, एंड वहाँ पे चल रहा है हीरोपंती का खाना। हीरोपंती का मूवी, मेरे को खाना ही खाना दिख रहा है भाई, इतना भूख लग रहा है ना। और जिम के बाद भाई और ज़्यादा इतना भूख लगता है, बाप रे क्या बताऊँ। और ये पहला आज दिन का खाना गया, अमृत मजा आ रहा। चारों लोग का साथ भी नहीं हो रहा, मैं कर लेता हूँ, छोड़ो मिलते हैं आगे। सो गाइस 12 बजने का वेट करते, फिर आप लोगों के साथ केक वगैरह काटेंगे और न्यू ईयर का आज का दिन ख़त्म करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर को चालू करेंगे। सो अभी मैं चलता हूँ, थोड़ा लैपटॉप में काम वगैरह देख लेता हूँ और कुछ पेंडिंग वगैरह बचे तो वो देख लेता हूँ, नहीं तो खाली रहूँगा तो थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा, है ना। तो देखते हैं, मिलते हैं आप लोगों को। सो बाय, बजे हैं 10, तो बज चुके हैं 10। और ये देखो कौन आया है, ये देख रहे हो हमारे यूट्यूब के शेर आए हैं कपिल शर्मा शो में। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो क्या पता अपन भी चलते, तो सपोर्ट करो अच्छे से। सो बस अभी 10 बज गए हैं, सो वेट करते हैं अभी क्या होने वाला है, देखते हैं। सो गाइस 11 बज गए हैं और मैंने ये मम्मी ने केक बनाया है जैसे कि देख सकते हो, और ये रहा इसे आज केक काटेंगे। तो भाई अकेले एंजॉय कर रहे हैं न्यू ईयर, क्या करेंगे। बस आप लोगों, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बहुत अच्छे से, और अकेले न्यू ईयर को कर रहे सेलिब्रेट इस तरीके से करेंगे, तो देखना मज़ा फुल आएगा, शायद मज़ा ले लेना, मज़ा करने से मज़ा आता है गाइस। तो मिलते हैं 6 5 4 3 2 वैसे 12 तो बज गया मोबाइल। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस अपन काट रहे हैं केक, ये देखो। तो वीडियो कॉल में है मेरे फ्रेंड्स जो कि मैं दिखा नहीं सकता, यू नो। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर वाले हैं अभी मेरे साथ, सो इसीलिए सो केक को काटा जाए। तो हम काट रहे हैं केक पहली बार इस हथियार से, या फ्रिज से निकालो ना, हार्ड हो गया केक। अभी कितना हार्ड हो गया चॉकलेट। जल्दी आप लोग देख सकते हो केक पूरी मर चुकी है, पूरा खिचड़ी हो गया केक का। चॉकलेट कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया फ्रिज में रखे रखे। तो बस इसी तरीके से न्यू ईयर बनाया गया, और ये इसके बाद केक को बना रहे अपन। ओ गॉड, मुझे प्लेट रख लेना चाहिए था, पूरा चॉकलेट चॉकलेट हो गया। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। सो 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 काट के खाता हूँ मैं, बहुत भूख भी लगी है। सो मिलते हैं आगे। सो आई एम बिजी ऑल्सो, फ्रेंड्स लोग से बात करना है थोड़ा, सो मिलते हैं। सो भाई इस तरीके से बना मेरा न्यू ईयर अकेले, और मैंने केक काटा आप लोगों के साथ। तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये सब रखने के बाद मिलता हूँ मैं आप लोगों को। सो भाई मैंने बंद कर दिया और टाइम हो चुका है 12:30। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स लोग वीडियो कॉल किए थे मेरे को, और बस उन लोग के साथ मैंने केक वगैरह काटा वीडियो कॉल में, मम्मी ने बनाया हुआ था। सो चलते हैं अभी, मैं कल बर्तन वर्तन करूँगा, आज हिम्मत नहीं है भाई बिल्कुल भी, फास्ट था, बहुत थक गया हूँ, और जिम करने के बाद फास्ट में ना बहुत थकावट हो जाता है। चल चलते बेडरूम में सोने का टाइम, मिलते हैं आपको। सो फाइनली गाइस मैं चल अब सोने, हमको थोड़ा सा हेडेक वगैरह हो रहा है। वो अपन बात कर रहे थे सब, एकदम न्यू ईयर है तो बात कर रहे थे,
और कुछ लोग गए हैं इधर उधर पार्टी मनाने के लिए। मैं इंस्टा में स्टोरी वगैरह देख रहा था, लाइव वगैरह आया हुआ है, फुल एकदम पावर पार्टी वार्टी चल रहा है। अपना तो भाई ऐसी है, ये कंबल, ये लैपटॉप और बुक्स वगैरह उधर है। सो आज तो मैं पढ़ा नहीं, दोपहर में पढ़ा था थोड़ा सा, देन बस हो गया न्यू ईयर अपना, ये हो गया 1:30 हो गया। सो बात करते करते हो गया टाइम। सो यार आप लोगों को मिलते हैं कल, और कल का ब्लॉग कैसा होगा देखते हैं। गरीब बच्चों लोग का जो मतलब गरीब लोगों को खाना बांटने का जो प्लान है वो चीज़ सक्सेसफुली हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है यार, मिलना भी चाहिए। मुझे लोकेशन अच्छा से पता नहीं है क्योंकि कहाँ कहाँ है। सो यार रात हो चुकी है, तो मिलते हैं। मेरे को भी नींद पड़ा हुआ है पूरे एकदम, माँ का झन्नार है मेरा। सो आप लोगों को मिलते हैं मस्त से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने भाई को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। होप तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। इस तरीके से मैंने अकेले न्यू ईयर बनाया। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन तब तक के लिए दिस इज रेडी प्रोडक्शन शाइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बी से वन रेड सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, ये साल को बेस्ट बनाना गाइस, बेस्ट। हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को, लव यू।